हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमारा पार्ट नंबर 40 तक कंप्लीट हो गया था। आज हमारा पार्ट नंबर 41 रहेगा। यूनिट हमारी 5th कॉस्मोलॉजी चल रही थी। सभी यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को कम्प्लीट विजिट कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के 40 नंबर पार्ट तक अगर विजिट नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको विजिट करें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो पार्ट नंबर जो 40 था उसमें हमने क्या पढ़ा था, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी सिटर यूनिवर्स और आइंस्टाइन यूनिवर्स हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपके डी सिटर यूनिवर्स के ऊपर, लेकिन आज उसके हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ अपलोड है, अगर आपने विजिट नहीं करी तो चैनल में जा करके आप उसको विजिट करें और नोट्स बना लेना उसके। अब जो पार्ट नंबर 41 है तो इसमें हम पढ़ने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी सिटर यूनिवर्स। इसके बाद में नॉन स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल भी पढ़ेंगे जो इससे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और वो हमारी इस वीडियो का क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का, कह सकते हैं अपन। यूनिट नंबर 5th है ना अपनी कॉस्मोलॉजी, उसमें नॉन स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल जो है वो लास्ट टॉपिक है। तो उसमें हम लास्ट वीडियो जो रहेगी वो 42 नंबर रहेगी कॉस्मोलॉजी की। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करें, उससे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी सिटर यूनिवर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी सिटर यूनिवर्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, जैसे कि सपोज कर लो अपने पास में पी प्रेशर और रो क्या होती है, अपनी डेंसिटी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं कि पी की वैल्यू क्या आ रही है, रो की वैल्यू क्या आ रही है। अगर पी की वैल्यू ज़ीरो हो, रो की वैल्यू भी ज़ीरो हो, तो वो जो अपना स्पेस टाइम होता है या जो भी स्पेस है या यूनिवर्स है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। और अगर पी और रो की कुछ वैल्यू आती है तो वो एम्प्टी नहीं होता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें वो लिख लो आप लोग, प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी को पी से और किससे, रो से। ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है डी सिटर यूनिवर्स की। तो इसमें सबसे पहले लिखना, इन डी सिटर यूनिवर्स पी प्लस रो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जो स्टार्टिंग में हमने डी सिटर यूनिवर्स पढ़ा था उसके लिए हमने पर्टिकुलर एक कंडीशन ली थी। हमारे पास में तीन केस बने थे, एक तो आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए, सेकंड जो था वो डी सिटर यूनिवर्स के लिए, और थर्ड जो था वो आपका था फ्लैट स्पेस के लिए। तो डी सिटर यूनिवर्स में क्या था, पी प्लस रो की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। अब हम क्या लेंगे, पी की वैल्यू या तो क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी या फिर लेस देन ज़ीरो होगी। तो रो की वैल्यू क्या आती है, तो लिखो इसमें P is greater than equals to zero, this value implies. अगर suppose कर लो P की value zero हो तो rho की value भी क्या आ जाएगी, zero आ जाएगी। इसका मतलब if P equals to zero then rho is also zero, यानी P की value भी zero आ गई, rho की value भी zero आ गई। इसका मतलब जो अपना universe है वो कैसा है, empty है। तो इसमें एक line लिखो, clearly it means डी सिटर यूनिवर्स इज टोटली एम्प्टी। तो डी सिटर यूनिवर्स इज टोटली एम्प्टी आ गई, यानी पी की वैल्यू अगर जीरो हो तो रो की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई। ये इसकी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, प्रेशर एंड डेंसिटी। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, मोशन ऑफ द टेस्ट पार्टिकल।
मोशन ऑफ द टेस्ट पार्टिकल में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो वो जियोडेसिक के फॉर्म में होती है। यानी कोई भी टेस्ट पार्टिकल है, अगर वो मोशन करता है तो वो जियोडेसिक के अकॉर्डिंग क्या करता है, मूव करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक जियोडेसिक इक्वेशन लिखते हैं, और जिस भी यूनिवर्स का पढ़ रहे हैं उसकी हम क्या लिख लेते हैं, एक मैट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर आपने आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए देखा होगा मोशन ऑफ द टेस्ट पार्टिकल, तो आपको डी सिटर वाला इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको डीपली वहाँ पे पढ़ा भी था और यहाँ पे भी पढ़ेंगे उसको। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, मोशन ऑफ द टेस्ट पार्टिकल में क्या होता है, सबसे पहले किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को या फिर किसी भी पार्टिकल के जो मूवमेंट है उसको शो करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, जो होती है अपनी जियोडेसिक इक्वेशन। तो सबसे पहले लिखो इसमें मोशन ऑफ टेस्ट पार्टिकल इज गिवन बाय जियोडेसिक, जियोडेसिक के द्वारा गिवन होता है। और जियोडेसिक की इक्वेशन क्या होती है, ये तो अभी सबको याद होगी, डी टू एक्स आई अपॉन डी एस स्क्वेयर प्लस आई जे के डी एक्स जे अपॉन डी एस डी एक्स के अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर वन कह दो। ये तो होगी जियोडेसिक की इक्वेशन। अब हम क्या लेते हैं, एक मैट्रिक इक्वेशन लेके चलते हैं। तो मैट्रिक इक्वेशन यहाँ पर कौन से वाले यूनिवर्स के लेंगे, तो आपका वही डी सिटर चल रहा है तो डी सिटर यूनिवर्स की, तो लिख लो, लिखो मैट्रिक फॉर डी सिटर यूनिवर्स क्या होती है, डी एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर लैम्डा डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वी डी टी स्क्वायर। ये होता है अपना कौन सा, डी सिटर यूनिवर्स का मैट्रिक इक्वेशन होता है। अब देखो हमारे पास में ई की पावर लैम्डा और ई की पावर वी की क्या क्या वैल्यू होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं ना कि ई की पावर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है और ई की पावर वी की। तो आप लोग इसको लिख लो दोबारा से कि यहाँ पर ई की पावर लैम्डा और ई की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या क्या है। तो ई की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू हमारे पास होती है वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई की पावर वी की वैल्यू जो होती है वो भी होती है वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू भी यही है, e की पावर v की वैल्यू भी यही है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू e की पावर v इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ गया। हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्लेनेटरी ऑर्बिट। प्लेनेटरी ऑर्बिट जो था उसमें हम क्या लेते थे, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू जीरो लेते थे। प्लेनेटरी ऑर्बिट के बारे में नहीं पढ़ा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़ लेना, वहाँ पे करवाया हुआ आपको प्लेनेटरी ऑर्बिट बहुत अच्छे से। तो क्या होता है कि प्लेनेटरी ऑर्बिट में एक कंडीशन लेके चलते हैं कि जिसमें डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू जीरो लिखते हैं, वहाँ यहाँ पे भी वही कंडीशन लेके चलनी है। और साथ में एक फेजर चाइल्ड लाइन एलिमेंट पढ़ा था हमने, वो उसमें हमने क्या करा था, थीटा की वैल्यू क्या ली थी, पाई बाई टू ली थी। वही दो कंडीशन आज इस टॉपिक में भी यूज आएंगी। तो लिखो सबसे पहले इन प्लेनेटरी ऑर्बिट डी थीटा अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, और सेकंड लिखो एंड इन स्वाइजरचाइल्ड लाइन एलिमेंट थीटा इक्वल्स टू क्या लेते थे, पाई बाई टू। यानी थीटा की वैल्यू क्या लेते थे, पाई बाई टू लेते थे। साथ में एक और कंडीशन होती थी क्या, आर स्क्वायर डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू एच लेते थे, वो भी यहीं पे लिख लो, आर स्क्वायर डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू एच। एक ये वैल्यू होती थी, एक ये वैल्यू होती थी, एक और वैल्यू होती थी वो भी देख लो यहीं पे साथ में ही तीनों लिख लेंगे, डी टी अपॉन डी एस की, और डी टी अपॉन डी एस की वैल्यू क्या होती थी, के ई की पावर माइनस वी।
डी टी अपॉन डी एस की वैल्यू क्या होती थी, के ई की पावर माइनस वी, और ई की पावर माइनस वी की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से ई की पावर वी की वैल्यू जब ये है तो ई की पावर माइनस वी की करेंगे तो ये अपॉन में चली जाएगी। इसका मतलब या तो ये लिख लो या फिर क्या लिख सकते हैं, के अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। ये सारी वैल्यू अपन लेके चलेंगे प्लेनेटरी ऑर्बिट के लिए। डी थीटा अपॉन डी एस, जहाँ पे जीरो पुट करना होगा वहाँ हम जीरो पुट कर लेंगे, जहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए होगी वहाँ पाई बाई टू कर लेंगे। डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू चाहिए होगी तो एच अपॉन आर स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी एस की चाहिए होगी तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो आगे, अगर देखो इस वाली मैट्रिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करें तो किस फॉर्म में आ सकती है, देखो सारी वैल्यू को अगर हम प्लस की साइड ले आए, डी एस स्क्वायर की साइड ले आओ सारी वैल्यू, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, डी एस स्क्वायर ये प्लस में आ जाएगा, e की पावर लैम्डा डी आर स्क्वायर ये भी इधर आएगा तो प्लस, आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर ये भी प्लस का तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर, और प्लस प्लस नहीं आएगा, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस ई की पावर वी डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड लगा दे, डी एस स्क्वायर का डिवाइड लगा दे, तो देखो डी एस स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा वन प्लस ई की पावर लैम्डा, ये क्या बन जाएगा डी आर अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा माइनस ई की पावर वी डी टी अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ये सारी वैल्यू आ जाएंगे ना अपने। अब बताओ e की पावर लैम्डा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो e की पावर लैम्डा की वैल्यू अगर हो तो वो किसके इक्वल आएगी, e की पावर माइनस वी के इक्वल आएगी, क्योंकि e की पावर माइनस लैम्डा किसके इक्वल है, e की पावर वी के, इसका मतलब अगर पॉजिटिव लैम्डा लेनी हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर माइनस वी, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं e की पावर माइनस वी, तो पुट कर दो यहाँ पर, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो वन प्लस e की पावर माइनस वी डी आर अपॉन डी एस इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर माइनस ई की पावर वी डी टी अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो हम क्या करेंगे, अभी हमने लिखा था क्या, प्लेनेटरी ऑर्बिट के लिए डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, साथ में थीटा की वैल्यू क्या लेनी है पाई बाई टू, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई टू लोगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे और देखो साथ में क्या कर सकते हैं, ई की पावर माइनस वी है ना, इसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा दो, पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो अगर इसमें डिवाइड लगाए तो वन अपॉन ई की पावर माइनस वी, इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो हो ही जाएगी, ये टर्म देखो क्या आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस वी डी फाई अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा देखो माइनस ई की पावर वी था अपॉन में क्या आ गया ई की पावर माइनस वी डी टी अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया जीरो आ गया, डिवाइड लगा दिया हमने सिंपली। अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर वी हो जाएगा प्लस डी आर अपॉन डी एस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस
आर स्क्वायर ई की पावर वी बन जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी एस इसका होल स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर टू वी डी टी अपॉन डी एस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, डी फाई अपॉन डी एस और साथ में आर स्क्वायर, यानी कि अपने पास में एक वैल्यू ये थी कि आर स्क्वायर डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या था, एच था। यानी कि आर स्क्वायर ले लो और डी फाई अपॉन डी एस ले लो, उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, एच पुट कर सकते हैं ना। तो पुट करेंगे तो देखो ई की पावर वी प्लस डी आर अपॉन डी एस इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी फाई अपॉन डी एस की जगह क्या आ जाएगा, एच ई की पावर वी और एक डी फाई अपॉन डी एस अपने पास लेफ्ट हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर टू वी डी टी अपॉन डी एस की वैल्यू अभी लिखी थी ना, क्या थी देखो, डी टी अपॉन डी एस की वैल्यू के ई की पावर माइनस वी, ये वैल्यू थी किसकी, डी टी अपॉन डी एस की। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो स्क्वायर कर दो उसका, क्या आ जाएगा के स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस की टू वी इक्वल्स टू जीरो। ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की पावर वी प्लस डी आर अपॉन डी एस इसका होल स्क्वायर प्लस एच ई की पावर वी डी फाई अपॉन डी एस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ई की पावर प्लस टू वी और माइनस टू वी माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व आउट हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो किस फॉर्म में आ सकता है, तो इसके आगे देखो डी आर अपॉन डी एस को पहले लिख लो प्लस ई की पावर क्या हो गया, ये वी हो गया। अब देखो ये था अपना ई की पावर वी, डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, यहां से देखो डी फाई अपॉन डी एस क्या आ सकता है, एच अपॉन आर स्क्वायर आ सकता है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो डी फाई अपॉन डी एस की जगह तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर स्क्वायर, एक एच पहले से था इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा साथ में, माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ गया, जीरो आ गया। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब यहाँ से डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू निकालो तो देखो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी एस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव के स्क्वायर माइनस ई की पावर वी माइनस ई की पावर वी एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, डी आर अपॉन डी एस के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ये वैल्यू आ गई ना अपनी। अब देखो ई की पावर वी कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस ई की पावर वी कॉमन आ गया, क्या बचेगा बताओ, वन प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, अपनी डी आर अपॉन डी एस की होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू निकाली हो तो इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो लिख लो डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस ई की पावर वी प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात बताओ ई की पावर वी की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ ई की पावर वी इक्वल्स टू वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आर अपॉन डी एस रूट के स्क्वायर माइनस ई की पावर वी की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, वन प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो अपन ने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अगर सपोज करो डी आर अपॉन डी एस के होल स्क्वायर को अगर हम फाई के फैक्टर में अगर ब्रेक करें तो किस फॉर्म में आएगा, तो देखो नाउ बाई कोई इक्वेशन बोल दो, जैसे कि ए बोल दो इसको, नाउ बाई
इक्वेशन ए, इक्वेशन ए को ब्रेक करना है डी फाई के टर्म में। अब देखो कैसे ब्रेक करेंगे, तो डी आर अपॉन क्या आ जाएगा डी फाई, और डी फाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एस हो जाएगा, एक ही बात है ना, स्क्वायर हो गया। के स्क्वायर माइनस ई की पावर वी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई अपनी। अब एक बात बताओ, डी फाई अपॉन डी एस की दोबारा से वैल्यू क्या है अपने पास में, एच अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो इसको। अब यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, तो पुट करने पर एच अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, देखो एच अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी फाई, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस ई की पावर वी, ई की पावर वी की वैल्यू क्या है वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और साथ में क्या है अपना वन प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू है ना। अब देखो एच अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी फाई इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीपल कर लो सिंपल में, तो सिंपली फॉर्म बना रहे तो के स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीपल करेंगे तो वन, फिर करेंगे तो प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई अपनी, और साथ में इसका क्या था होल स्क्वायर था, सिर्फ हमने इसको मल्टीपल करके सॉल्व आउट कर लिया। अगर आप इस फॉर्म में भी रहने देना चाहोगे तो ये भी सही है ये भी सही है, दोनों ही सही है। अब इसके नीचे लिखो नाउ एज्यूम दैट आर इक्वल्स टू वन अपॉन यू, तो डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी डी आर अपॉन डी फाई की, डी आर अपॉन डी फाई इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी फाई, ये वैल्यू आ जाएगी ना। अब एज्यूम कर लो कि आर की वैल्यू क्या है वन अपॉन यू है, तो डी आर अपॉन डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी फाई। अब ये सारी वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में क्या कर दो पुट कर दो, पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा एच आर वन अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा यू स्क्वायर आ जाएगा, डी आर अपॉन डी फाई, डी आर अपॉन डी फाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी फाई, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में वन प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर, तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू वन अपॉन यू, इसका मतलब वन अपॉन यू स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये टर्म आ गई अपनी। अब देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एच माइनस का डी यू अपॉन डी फाई, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वन माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वन अपॉन यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये टर्म आ गई अपनी, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कह दो, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब हम इसका क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिखो इसके आगे, और इससे पहले एक टर्म इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना, माइनस का स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर डी यू अपॉन डी फाई, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी ना। अब देखो इसका क्या कर दे डिफ्रेंशिएशन कर दे, तो लिखो इसके आगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई, फाई के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दें हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो देखो क्या होगा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, एच स्क्वायर तो है ही, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा टू डी यू अपॉन डी फाई,
और डी यू अपॉन डी फाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टू यू अपॉन डी फाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर का जीरो, वन का जीरो, एच स्क्वायर यू स्क्वायर का होगा और यू स्क्वायर आर स्क्वायर का होगा, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एच स्क्वायर था ही, साथ में क्या आ जाएगा, टू यू डी यू अपॉन डी फाई, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन यू की क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर डी यू अपॉन डी फाई, इस टर्म को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे क्योंकि इसमें स्मॉल आर का कोई फैक्टर नहीं है ना ही यू का फैक्टर है, तो ये अपनी इक्वेशन निकल के आ गई। अब देखो टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है ना, ठीक है, अब देखो डी यू अपॉन डी फाई भी कैंसिल आउट हो रहा है सब में, क्या क्या बचा वो लिख लो, एच स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी फाई स्क्वायर, इधर क्या बचा, माइनस एच स्क्वायर यू और माइनस वन अपॉन यू क्यूब आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई अपनी। अब क्या करेंगे देखो, ये वाली टर्म को इस साइड ले आओ, तो इस साइड लेके आएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो एच स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी फाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन यू क्यूब आर स्क्वायर, ये टर्म आ गई ना। अब एच स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो एच स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू यू अपॉन डी फाई स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन यू की क्यूब आर स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को इसके अपॉन में भेज दो, तो ये वाली टर्म की वैल्यू क्या बनेगी, देखो डी टू यू अपॉन डी फाई स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर यू क्यूब आर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ कह दो, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमने पहले जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने वन अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू लेके चले थे, यहाँ पर भी ऐसी कुछ वैल्यू लेके चलेंगे, वो देखो अगर कोई इक्वेशन आगे पीछे होती तो अपने अकॉर्डिंग सही कर लेना, जब जहां जिस इक्वेशन की जरूरत हो उसको मार्किंग कर दिया करो। अब देखो लेके चलेंगे वन अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, तो वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखना कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट प्लस एट पाई पी अपॉन थ्री, ये होता है पी नहीं रो करना है यहाँ पर, एट पाई रो और अपॉन में क्या होता है थ्री होता है। अब ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रेशर और डेंसिटी के लिए पी की वैल्यू जीरो है, रो की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर हम रो की वैल्यू जीरो पुट करें तो वन अपॉन आर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी वो देखो, तो पुट रो इक्वल्स टू जीरो देन वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट बाई थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन आर स्क्वायर की। अब इक्वेशन नंबर फोर में पुट करेंगे, तो लिखो नाउ पुट इन इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर में पुट करेंगे तो डी टू यू अपॉन डी फाइव स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर यू की क्यूब, और साथ में वन अपॉन आर स्क्वायर की जगह कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट और अपॉन में क्या आ जाएगा थ्री, ये इक्वेशन किसकी बन गई, डी टू यू अपॉन डी फाई स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट थ्री एच स्क्वायर यू की क्यू, ये वैल्यू आ गई। अब इसके नीचे लिखो नाउ डी एस इज इक्वल्स टू जीरो फॉर मोशन ऑफ लाइट और आर स्क्वायर डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू एच, ये वैल्यू होती है अपनी किसकी, आर स्क्वायर डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू एच। अगर आर टेन टू जीरो हो या आर टेन टू इन्फिनिटी हो तो एस भी क्या होगा, टेन टू इन्फिनिटी होगा या फिर टेन टू जीरो होगा, जो आर की वैल्यू होगी वही एच की वैल्यू। अब देखो इसमें लिखो इफ एच टेंडिंग इन्फिनिटी एज डी एस इज टेंस टू जीरो, अगर एच की वैल्यू इन्फिनिटी हो या आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो इस सिचुएशन में जो डी एस मेट्रिक है
वो किसको टेंड करेगी, जीरो को टेंड करेगी। तो इसका मतलब अगर एच की वैल्यू इन्फिनिटी हो, डी एस की वैल्यू जीरो हो, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि एच टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी होते ही ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो देखो डी टू यू अपॉन डी फाइव स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू जीरो, लिख लेना एज एच टेंडिंग इन्फिनिटी देन माइनस कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट अपॉन थ्री एच स्क्वायर यू की क्यू टेंड टू जीरो। यानी कि अगर एच की वैल्यू क्या हो, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, तो ये वाली टर्म किसको टेंड करेगी, जीरो को टेंड करेगी। इसके बाद में लिखो विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग टू द मोशन ऑफ टेस्ट पार्टिकल। तो विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू द मोशन ऑफ द टेस्ट पार्टिकल। तो ये जो हमारी इक्वेशन निकल कर आई है, ये किसको शो करती है, अपने टेस्ट पार्टिकल के मोशन को शो करती है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। लिखो थर्ड प्रॉपर्टी में वेलोसिटी फॉर ए टेस्ट पार्टिकल इन डी सिटर यूनिवर्स। अभी हम जो पीछे वैल्यू निकाल के आए उसी के बेसिस पर ही है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, उसी को ब्रेक करके उसी को सॉल्व आउट करना है। इसमें लिखो सबसे पहले आप लोग डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, इसको ब्रेक कर दो एस की टर्म में, तो डी एस अपॉन डी आर अपॉन डी एस और क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। अब लिखो नाउ लेट dt upon ds is equals to k e की पावर माइनस वी। अभी प्रीवियस जो अपने टॉपिक पढ़ा था उसमें भी ये वैल्यू लेके चले थे। अब यहाँ से ds upon dt की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ds upon dt is equals to 1 upon k e की पावर वी। और साथ में dr upon dt की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी, वो भी क्या थी, वो भी लिखो dr upon dt is equals to 1 अपॉन के ई की पावर वी रूट के स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैसे आई है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी। देखो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू तो क्या हो गई, 1 अपॉन के ई की पावर वी, और डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी वो ये थी। तो दोनों वैल्यू हमने इसमें पुट करी तो dr upon dt की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब इसके आगे लिखो नाउ dr upon dt इज इक्वल्स टू 1 upon k e की पावर v की वैल्यू आप सभी को बताई हुई है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और साथ में रूट वाली वैल्यू क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ये वैल्यू आ गई अपनी।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू लेंगे, उसको भी ब्रेक करेंगे इसी तरीके से। तो लिखो इसके आगे, नाउ डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको एस के टर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, अभी तो किसको ब्रेक करा, डी आर अपॉन डी टी को, अब किसको ब्रेक कर रहे, डी फाई अपॉन डी टी को। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डी फाई अपॉन डी एस, और डी एस अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। और एक इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी, आर स्क्वायर डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एच होता है ना, तो यहाँ से डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन आर स्क्वायर। तो एच अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन आर स्क्वायर मल्टीपल का साइन, डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये है, तो वन अपॉन के ई की पावर वी, और ये किसकी आ रही है, डी फाई अपॉन डी टी की। आगे और सॉल्व आउट करें तो देखो कैसे लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या है, के ई की पावर वी की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, टू कह देंगे, डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन आर स्क्वायर के वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ क्या करा, डी आर अपॉन डी टी को और डी फाई अपॉन डी टी को डी एस के टर्म में ब्रेक करा, सबकी वैल्यू पुट कर ली, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर टू कह दिया। अब इसके आगे देखो, क्लियरली लिखो, क्लियरली एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, अगर हम क्या ले लें, आर की वैल्यू क्या ले लें, कैपिटल आर के बराबर अगर ले लें, तो देखो जो हमारी इक्वेशन है डी फाई अपॉन डी टी, ये क्या बन जाएगी, देखो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल हो गया, तो वन माइनस वन जीरो हो गया। तो सबसे पहली बात तो डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपनी जीरो आ जाएगी। तो लिखो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, पहली बात तो ये हो गई कि अपनी डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो आ गई। अब चेक करो डी आर अपॉन डी टी के लिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे भी इक्वल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में अपनी कौन कौन सी वैल्यू, के स्क्वायर माइनस वन, ये देखो ये भी जीरो होगा। तो लिख दो डी आर अपॉन डी टी इज ऑल्सो जीरो, तो डी आर अपॉन डी टी और डी फाई अपॉन डी टी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना, एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल है ना, तो यहाँ पर भी कैपिटल पुट कर देना, यहाँ पर भी पुट कर देना, और यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर देना, सारी वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपकी वैल्यू जीरो बन जाएगी, यहीं पर बन जाएगी स्टार्टिंग में। कैसे बनेगी देखो, ए की पावर वी की वैल्यू क्या है, वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर लेना आप लोग इसको, और जैसे ही आप आर इक्वल्स टू आर करोगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बाहर ही जीरो हो जाएगी, अंदर सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसके आगे लिखो द वैल्यू आर इक्वल्स टू आर इज कॉल्ड एपरेंट हॉरिजन ऑफ यूनिवर्स, द एपरेंट हॉरिजन ऑफ द यूनिवर्स, अगर r इक्वल्स टू r वैल्यू लेके चले तो हमारे पास में डी फाई अपॉन डी टी आ गया, डी आर अपॉन डी टी आ गया, है तो दोनों ही क्या, डी एक्स अपॉन डी टी कह लो या डी वाई अपॉन डी टी कह लो, इस तरीके से ही है ना दोनों फॉर्म। तो एक्स वन को क्या कहते हैं, r कहते हैं, एक्स टू को थीटा कहते हैं, एक्स थ्री को क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। इसका मतलब ये है तो क्या, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो इसको लिखो नीचे आगे, दीज आर बोथ तो दीज आर बोथ कंपोनेंट फॉर वेलोसिटी ऑफ टेस्ट पार्टिकल। तो ये अपना क्या हो गया, वेलोसिटी कंपोनेंट आ गए टेस्ट पार्टिकल के लिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। तो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी आपकी
लिखो फोर्थ प्रॉपर्टी में डॉपलर इफेक्ट इन डी सिटर यूनिवर्स। तो डॉपलर इफेक्ट इन डी सिटर यूनिवर्स में लिखो सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट द ओरिजिन आर इक्वल्स टू जीरो एंड द सोर्स ऑफ लाइट से ए स्टार एट डिस्टेंस आर इन डी सिटर यूनिवर्स लेट अस कंसिडर एंड ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट द ओरिजिन आर इक्वल्स टू जीरो, यानी आर इक्वल्स टू जीरो पर कौन है अपना सिचुएटेड है ऑब्जर्वर और एंड द सोर्स ऑफ लाइट से स्टार। तो एक लाइट का सोर्स ले रखा अपन ने स्टार और वो उससे डिस्टेंस जो है वो कितनी है आर है, कौन से यूनिवर्स में डी सिटर यूनिवर्स में। अब देखो इसके आगे लिखो फॉर ए रे ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम द स्टार अलोंग द रेडियल डायरेक्शन वी हैव। अब क्या कह रहा है कि फॉर ए रे ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम द स्टार अलोंग द रेडियल वेलोसिटी या रेडियल डायरेक्शन वी हैव, यानी कि जो लाइट इमिट हुई है स्टार से, ठीक है, उसके लिए जो रेडियल डायरेक्शन होती है उसके लिए जो अपनी कुछ वैल्यू क्या होती है स्टार्टिंग की 3 वैल्यू 0 के इक्वल होती है वो लेनी है 0 के इक्वल। डी एस इक्वल्स टू 0, डी थीटा इक्वल्स टू 0 और डी फाई इक्वल्स टू 0। ये 3 वैल्यू अपन को क्या लेनी है 0 लेनी है। फिर इसके आगे लिखो हैंस द रेडियल वेलोसिटी ऑफ लाइट हैंस द रेडियल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डी सिटर यूनिवर्स फ्रॉम 2 द ओरिजिन इज गिवन बाय डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्या कह रहा है कि हैंस द रेडियल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डी सिटर यूनिवर्स फ्रॉम टूवर्ड्स द ओरिजन इज गिवन बाई डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर हमने स्टार्टिंग के 3 जो रेडियल अपने कंपोनेंट्स हैं वो हमने क्या ले लिए 0 ले लिए, तो उसके लिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या लेनी है ये लेनी है। अब इसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो लिखो इफ टी वन एंड टी टू be the time of emission and reception from the for light ray coming from distance r 10। अब क्या हो अगर टाइम की लिमिट तो क्या लेनी है t1 से t2 तक
इमिशन और रिसेप्शन के बीच का टाइम है और लाइट रे कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस आर देन, और जो अपनी लाइट रे है वो कितनी डिस्टेंस से आ रही है, आर डिस्टेंस से आ रही है। तो इस सिचुएशन में इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, लिखो टी वन से लेके टी टू डी टी इज इक्वल टू जीरो से लेके आर डी आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसका आगे करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से आर डी आर वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाले टी वन को किस साइड ले आए, इस साइड ले आए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऊपर लिख देते हैं, देखो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 प्लस क्या आ जाएगा, जीरो से लेके R dr अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा T1 प्लस क्या आ जाएगा, जीरो से लेके R वन अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और डी आर को ब्रेक करने को कैसे लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी इंटू में डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं ना। तो ये जो फैक्टर आगे, ये क्या हमारा डॉपलर इफेक्ट है, किसमें, डी सिटर यूनिवर्स में। तो इसके आगे दो लाइन और है वो भी लिख लो, लिखना वेयर dr upon dt is the radial velocity of the particle at the time of emission which denote the relation of proper time period of emitted and रिसेप्शन लाइट रे। क्या कह रहा है, देखो वेयर डी आर अपॉन डी टी तो क्या अपनी रेडियल वेलोसिटी है, ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम ऑफ इमिशन विच डिनोट द रिलेशन ऑफ प्रॉपर टाइम पीरियड ऑफ इमिटेड एंड रिसेप्शन लाइट रे, यानी कि जब वो लाइट रे क्या हुई थी, वहां से इमिट हुई थी, और जब अपन ने क्या करी, उसको हमने रिसीव किया, तो उस समय के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है वो इक्वेशन से दिखाया जाता है। यही अपना क्या है, डॉपलर इफेक्ट है, किसमें, डी सिटर यूनिवर्स में। तो इस वीडियो में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी सिटर यूनिवर्स। तो नेक्स्ट जो अपना पार्ट नंबर 42 रहेगा वो रहेगा नॉन स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, और जो कॉस्मोलॉजी का लास्ट पार्ट होगा, और इसके बाद में देखेंगे अपन को क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आगे पढ़ लेंगे। तब तक आप लोग अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, साथ में बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।